हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बिट्स पिलानी के बारे में बात की थी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी आज मैं जिस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास में आ रहा हूँ उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका फ़ोटो दिखाता हूँ ठीक उसके साथ साथ मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ ये कॉलेज वो कॉलेज है जब एपिल पहली बार इंडिया में आई थी उसने सबसे पहले जिस कॉलेज में रिक्रूटमेंट किया था आज मैं उस कॉलेज की बात करने वाला हूं चलिए देखते हैं कौन सा कॉलेज है ट्रिपल आईटी हैदराबाद यानी मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने जो गेस्ट है वो एकदम सही किया होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही शानदार कॉलेज है बहुत ही शानदार कोडिंग है बहुत ही शानदार रिसर्च वर्क है है ना तो आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि इस कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो कैसे ले सकते हैं कौन कौन से मोड्स हैं तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में और डिटेल्स ले लेते हैं बेटर फ्रॉम मेनी आई आई ठीक है जी एकदम सही बात है ट्रिपल आई हैदराबाद का एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है बहुत शानदार प्लेसमेंट होते हैं है ना तो कई आई कॉलेज से बेटर माना जाता है अगर सिर्फ सी को कंसिडर किया जाए तो ये टॉप फाइव आई में माना जाता है है ना बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी आई छोड़ने के बाद ट्रिपल आई हैदराबाद को प्रेफर करते हैं और इसका जो प्लेसमेंट है बहुत ही शानदार होता है अभी मैंने बताया आपको जब एप्पल पहली बार इंडिया में आई तो उसने जो सबसे पहले जिस कॉलेज से रिक्रूटमेंट किया था वो यही कॉलेज है ट्रिपल आई हैदराबाद बेस्ट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स परस्पेक्टिव ऑब्वियस बात है जब कॉलेज शानदार है तो उसी हिसाब से प्लेसमेंट भी होगा यानी यहां पे जितनी अच्छी कंपनीज के नाम आप जानते हैं वो सारी कंपनीज की प्रेफरेंस होती है ट्रिपल आई टी है नो रिजर्वेशन कोटा कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें बेस्ट कोडिंग कल्चर जैसा कि मैंने आपको बताया बेस्ट कोडिंग कल्चर एंड एल्यूमिनई नेटवर्क भी इसका बहुत शानदार है तो चलिए आज हम बात करेंगे ट्रिपल ट्रिपल आई हैदराबाद के बारे में ट्रिपल आई टी हैदराबाद जो है 1998 में ये स्टैब्लिश हुआ था इसको नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है ठीक है जब ये स्टैब्लिश हुआ था उस समय जो वहां की गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ और अभी जो है एज ए प्राइवेट कॉलेज ये वर्क कर रहा है और ये नॉन प्रॉफिट है यानी इसका कहना है कॉलेज का कहना है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे हैं जो भी हमारे पास में स्टूडेंट्स से जो भी फीस वगैरह आती है उसको हम स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा अगर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर और डिटेल्स में जाके आप देखोगे तो इनका जो मेजर जो एक्सपेंस हो रहा है वो यहाँ की फैकल्टीज प्रोफेसर्स के ऊपर हो रहा है है ना तो ऑब्वियस सी बात है कॉलेज अच्छा है प्रोफेसर्स अच्छे हैं तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा लोकेशन तेलंगाना हैदराबाद एन आई आर एफ एन आई आर एफ रैंकिंग सिक्सटी टू देखिए एन आई आर एफ रैंकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं तो आप ये रैंकिंग के ऊपर ध्यान नहीं दें ठीक है बहुत बढ़िया शानदार कॉलेज है ठीक है एरिया जो है सिक्सटी सिक्स एकर्स पर फैला हुआ कॉलेज है अगर आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद में एडमिशन लेना है तो आपको ट्वेल्थ पास करना होगा जो बच्चे अपियर हो रहे हैं या जिन बच्चों ने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है वो बच्चे इस कॉलेज में आ, के लिए एलिजिबल होते हैं सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी पी में मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने ही चाहिए इनके है हाँ? ये वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू ट्रिपल आई हैदराबाद में एडमिशंस हो सकते हैं तो एक चैनल के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा सबसे पहले तो है जेई मेन्स के बेसिस पे यानी स्टूडेंट्स जो जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी जो है जेई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं उसके अलावा एस SPEC, एक स्पेशल चैनल है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एडमिशन हो सकते हैं उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है उसके अलावा एक मोड होता है यू जी डबल ई है ना उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे एक मोड है एल ट्रिपल ई एक मोड है ओलंपियाड एक मोड है बोर्ड्स ठीक है तो हम इन सारे मोड्स के बारे में कुछ कुछ जानेंगे और स्पेशली जो जे ई मेन्स पर कैसे एडमिशन हो रहा है और ये वाला यू जी डबल ई इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं इसमें ट्रिपल आई टी हैदराबाद में प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इसमें दो तरीके के प्रोग्राम चलते हैं एक तो प्रोग्राम है आपका फोर ईयर्स का सिंगल डिग्री बी टेक डिग्री मिलती है यहाँ पे ठीक है इसमें जो ब्रांचेस की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसके अलावा सी एस सी फोर ईयर्स में आपको ये दोनों ब्रांचेस मिलेंगी उसके अलावा यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है फाइव ईयर्स का डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता है इसमें आपको बी टेक प्लस एम एस बाई रिसर्च है ना ये इस तरीके की डिग्री मिलती है तो इसमें ये ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स और ये दोनों ब्रांचेस भी हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने बताया कॉलेज बहुत ही शानदार है तो जब कॉलेज कॉलेज शानदार है तो उसी हिसाब से प्लेसमेंट भी होगा तो अगर इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं जो किसी स्टूडेंट को मैंने लास्ट ईयर का देखा अभी किसी स्टूडेंट को जो मिला हुआ है दैट इज़ वन जीरो टू एल पी एक करोड़ दो लाख का पैकेज ठीक है ये हाइएस्ट पैकेज है अब हम स्ट्रीम्स देख लेते हैं और क्या हाइएस्ट पैकेज गया हुआ है और एवरेज पैकेज क्या गया हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे फोर ईयर्स बीटेक टेक कोर्स की बात कर लेते हैं तो सी का जो हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर वो 69 है एंड एवरेज की बात करोगे 32.2 ठीक है ईसी की बात कर लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की 45 फाइव हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज जो है 27.24 उसके अलावा अब आप ये वाले देखिए फाइव ईयर्स एम एस डुल्स डिग्री की बात करेंगे फाइव ईयर के अब देखिए सब में डी लगा हुआ है डी यानी डिग्री ठीक है तो इसमें देखिए सी एस की ड्वेल्थ डिग्री जो है इसमें मिला है वन करोड़ टू लैक्स का पैकेज है ना और हाइएस्ट और एवरेज देखेंगे थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स है ना अदर ब्रांचेज भी आप देखिए हाइएस्ट पैकेज देखिए एंड एवरेज पैकेज अगर आप ओवरऑल भी अगर आप इसका एवरेज पैकेज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है आप इसको पैकेज को देख के आपको पता लग जाएगा इस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है किस तरीके की कंपनीज आती हैं और किस तरीके के प्लेसमेंट्स होते हैं ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने बताया ट्रिपल आई टी हैदराबाद इट्स ए प्राइवेट कॉलेज तो फीस भी ठीक ठाक है बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठीक है फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर फोर लाख पर है नाम फीस हमारी लगने वाली है ट्रिपल आई टी हैदराबाद में एडमिशन ले रहे हैं नहीं। जो चार साल पढ़ेंगे उनको इसके हिसाब से चार साल देनी है और जो पांच साल ड्यूल डिग्री में जा रहे हैं वो पांच साल के हिसाब से फीस आएगी ठीक है इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस जो है मंथली लगभग तीन हजार के आसपास आते हैं और मेस चार्जेस लगभग साढ़े चार हजार के आसपास मंथली आते हैं ठीक है तो फीस अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ अच्छी फीस है ठीक है अब जब फीस ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप की बात भी करना बहुत जरूरी है तो ट्रिपल आई डी हैदराबाद का कहना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो स्टूडेंट बहुत अच्छा हो पढ़ने में बट फीस के कारण उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाए तो उसके लिए ट्रिपल आई टी हैदराबाद ने कई अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं फीस की स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले तो स्टेट बैंक की तरफ से आपको लोन मिल जाता है ट्रिपल आई टी फॉर अप टू फोर्टी लैक्स चालीस लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आपको और सबसे बड़ी बात क्या है विदाउट द नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी यानी आपको कुछ भी उसके बदले में आपको नहीं देना है मतलब जैसे कोलेट्रल कुछ भी नहीं करना है आपको सिक्योरिटी के तरीके से कुछ भी नहीं देना है आपको 40 लाख रुपए तक का लोन इसमें अवेलेबल हो सकता है ठीक है उसके अलावा ट्रिपल आई हैदराबाद में एक चीज और बहुत अच्छी है यहां पे जो है एल्यूमिनाई लोन्स भी होते हैं यहां पे जिसे बच्चा ले सकता है वो लोन्स को ले सकता है या सेकेंड सेमेस्टर के बाद मिल जाते हैं लोन्स को ले सकता है बट यहाँ पे उसको एक कमिटमेंट करना होता है कि जिस तरीके से एल्युमिनाई फंड से उसको लोन मिल रहा है तो जब वो यहाँ से पास हो जाएगा तो किसी दूसरे स्टूडेंट को भी वो जो है इस तरीके की फैसिलिटी के लिए वो हेल्प करेगा ठीक है तो इसमें एक कंडीशन लगा रखी है इन्होंने लगभग एट लाख रुपीज़ से नीचे होनी हो चाहिए फैमिली की इनकम ठीक है लेकिन अगर ऊपर भी है यहां पे दोबारा बोल रहे हैं कि अगर ऊपर भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो कुछ कंडीशन वगैरह देख के वो जो है इसके लिए आपको एप्लीकेबल आप हो जाओगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब फोर इयर्स बीटेक कोर्स की हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे किस तरीके से एडमिशन हो रहा है फोर इयर्स बीटेक कोर्स में ऐसा कि शुरुआत में मैंने आप, आप, आपको बताया था जय मेंस के थ्रू एडमिशन होता है ठीक है यानी जो स्टूडेंट्स जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनकी कुछ सर्टेन रैंक्स आती हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे फोर इयर्स में एडमिशन होंगे ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो रहा है ठीक है इसके लिए आपको ट्रिपल आई हैदराबाद का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा यानी जो बच्चे जेई मेन्स के थ्रू जा रहे हैं उनको ट्रिपल आई हैदराबाद का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा नोट कर लीजिएगा इस चीज को ठीक है प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं फोर ईयर्स का प्रोग्राम जैसे मैंने पहले आपको बताया सी एस सी है ई सी ही है इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं तो कुछ एक अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं लगभग नाइन्टी सीट्स आपको सी एस सी में मिल रही है और ई सी में सिक्सटी सीट्स मिल लगभग डेढ़ सौ सीट के आसपास जो है जेई मेन्स के थ्रू जो है इसमें एडमिशन मिल सकता है ठीक है ना अब बात कर लेते हैं भाई किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा जेई मेंस के थ्रू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप देख रहे हैं एक हज़ार के अंदर जी हाँ अब देख लीजिए कॉलेज इतना रेप्यूटेड है कि इसकी सीट्स फटाफट भर जाती है यानी जे ई मेन में मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा हज़ार है ना लेकिन हाँ इसके आसपास कुछ कट ऑफ जाता है सी एस सी के लिए आप देखिए सी एस सी की हज़ार के अंदर रैंक अगर आपकी है तो आपके पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको शायद ट्रिपल आई टी हैदराबाद मिल जाए ठीक है और ई सी में अगर हम जा रहे हैं तो लगभग तीन हज़ार के नीचे कुछ अपनी रैंक होनी चाहिए है ना ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जो दूसरा मोड है वो है यू जी डबल ई ठीक है यानी ट्रिपल आई टी हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक मोड और है जिससे बोलते हैं यूजी डबल ई है ना इसमें एडमिशन के लिए आपको ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये फाइव ईयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम है ठीक है इसमें एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये एडमिशन इसपे लेना है तो इसके फॉर्म्स वगैरह कब से आ रहे हैं है ना तो सिक्स फेवरी से जो है 2024 से इसके फॉर्म्स आ रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं एक अप्रैल से पहले ठीक है कि डेट को विशेष तौर पे ध्यान रखिए एक अप्रैल से पहले है ना तो जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है बहुत अच्छा कॉलेज है इनको ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए एक अप्रैल से पहले आप जो है ये वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक दे रखा है ट्रिपल आई वेबसाइट पर इस लिंक पर जाके आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब अब इस एग्जाम्स के बारे में कुछ और जानते हैं ये एग्जाम जो है वो उसके दो सेक्शन होते हैं ठीक है कौन कौन से होते हैं पहला सेक्शन होता है SUPR, जिसको बोल रहे हैं सब्जेक्ट टेस्ट ठीक है Test, ये कुछ घंटे का टेस्ट होता है है ठीक उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है रीप रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि दो घंटे का होता है ठीक है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे सबसे पहले तो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस है ना जो टेस्ट है तीन घंटे का हो रहा है इसके टेस्ट की जो डेट है दैट इज ठीक है यानी फॉर्म अप्लाई करने की डेट एक अप्रैल से पहले आप जरूर कर लें ठीक है, 4th को टेस्ट होने वाला है रिटेन टेस्ट, उसके बाद क्या होगा पहले रिटर्न टेस्ट होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था टू स्टेप प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा ठीक है इंटरव्यू के बेसिस पे आपको उसमें यानी दोनों चीजों के टेस्ट जो बच्चे टेस्ट क्वालीफाई हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको इस पे एडमिशन मिलेगा ठीक है तो इंटरव्यू की डेट भी देख लेते हैं इलेवेंथ जून से थर्टीन जून के बीच में इंटरव्यू होगा ठीक है कुछ और जानते हैं हम इसके बारे में यू एग्जाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं उससे बताना भूल गया दैट इज अगर आप ट्रिपल आई टी या है, हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं दैट मीनस आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ रहा है तो फॉर्म की फीस भी लगेगी यहाँ बिल्कुल फॉर्म की फीस मेल कैंडिडेट के लिए ट्वेंटी फाइव की है एंड गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का ये फॉर्म रहेगा ठीक है थीके? इसमें जो है सिलेबस आपका बात करेंगे जेई मेंस का जो सिलेबस होता है आ, वो सेम सिलेबस इस एग्जाम के लिए भी होता है यानी इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ठीक है थीके? ये एक घंटे का एग्जाम होने वाला है ठीक है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बिल्कुल होती है ठीक है एग्जाम का टाइम दो से तीन बजे के बीच में रहेगा इसी का दूसरा पार्ट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीप जिसे हम बोल रहे हैं ये एग्ज़ाम जो है दो घंटे का होगा कंटिन्यूशन में इसी के और इसमें क्या होता है रीप विल हैव एन एम्फेसिज ऑन टेस्टिंग द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ ठीक है जी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है यानी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को ये एग्ज़ाम जो है आपको चेक करेगा ठीक है उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हाँ होती है बिल्कुल होती है ठीक है और निगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है ट्वेंटी जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाली है ठीक है जी एग्ज़ाम का टाइम तीन से पाँच ठीक है तो ये एक कुछ यू एग्जाम की डिटेल्स थी चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें यू के थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं उस उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली सीट्स कितनी होने वाली हैं ठीक है वो भी देख लेते हैं है ना ये देखिए ब्रांचेस दी हुई है डी जो लगा हुआ है दैट रिफर्स डूएल डिग्री प्रोग्राम है नहीं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पाँच साल के कोर्सेज़ हैं फाइव इयर्स के ठीक है इसमें ट्वेंटी फाइव सी एस में थर्टी फाइव है ना फिफ्टीन 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 टोटल जो है जी से जो एडमिशन होने वाले हैं दैट इज वन लैक सॉरी वन हंड्रेड फाइव सीट्स इसमें अवेलेबल है ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं ओके okay, इसके बाद एक और मोड है एस ठीक -E है मेनली जो है स्टूडेंट्स को दो मोड में जो है जनरल स्टूडेंट्स हैं लगभग दो मोड में उनको एडमिशन यहां पे मिल रहा है एक तो जेई मेंस के थ्रू मिल रहा है ठीक है और दूसरा यू जी ई के यूजी डबल मिल रहा है ठीक है कुछ और मोड्स भी हैं जो स्टूडेंट्स इसमें फॉल करते हैं तो वो स्टूडेंट्स इन मोड्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं एक मोड है एस -E है ना स्पेशल चैनल बोलते हैं इसको ठीक है इसमें वो गर्ल्स की बात हो रही है जिन्होंने एक उड़ान स्कीम चलती है सी सी की है ना उसके थ्रू क्वालिफाई है ठीक है तो वो एलिजिबल होंगे ठीक है उसके अलावा जवाहर 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 नवोदय विद्यालय से जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जिन्होंने है। uh, uh, जहां बीटेक के प्रोग्राम में फोर्थ सेमेस्टर कोर्स में है, और आप उस इस चैनल के थ्रू आना चाह रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इसमें क्या होगा आपको डायरेक्ट एंट्री जो है आपको मिलेगी इंटरव्यू में ठीक है ना एडमिशंस थ्रू डासा, एक और मोड है डासा मोड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फॉरेन से uh, uh, जिन बच्चों ने इलेवंथ एंड ट्वेल्थ किया हुआ है वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन uh, मिलता है इन, uh, इनको ट्रिपल आई हैदराबाद में ठीक है ये मोड है डासा मोड ठीक है उसके अलावा एल ट्रिपल ई मोड है यानी जो बच्चे ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं है ना उसके फोर्थ सेमेस्टर में है तो उसमें इस मोड के थ्रू वो एलिजिबल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद एक मोड है ओलंपियाड जिन बच्चों ने नेशनल लेवल के ओलम्पियाड्स जैसे एच बी सी एस सी के ओलम्पियाड्स होते हैं नेशनल लेवल के ओलम्पियाड क्वालीफाई किए हुए हैं ठीक है थीके? उनको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू राउंड में उनको बैठने का मौका मिलता है ठीक है इंटरव्यू के बाद जो है ये ऐसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके अलावा एक मोड और है एडमिशन थ्रू बोर्ड्स है ना तो जो बच्चे बोर्ड्स के टॉपर्स हैं ठीक है उन बच्चों के लिए भी uh, मौका होता है कि वो uh, इस मोड के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं ठीक है, है? लेकिन जो जनरली जो आप देखोगे वो सिर्फ दो तरीके के मोड एप्लीकेबल हो रहे हैं एक तो जे मेंस के थ्रू है ना जिसमें फोर्थ ईयर बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन uh, मिल रहा है और दूसरा यू जिसके बारे में मैंने कम्प्लीट आपको डिटेल बताई ठीक है, है ना ठीक है जी ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ट्रिपल आई हैदराबाद के बारे में ठीक है तो ट्रिपल आई हैदराबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है ठीक है इसमें मतलब अगर हम फैसिलिटीज़ की बात भी कर लें तो लगभग वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक बहुत अच्छे कॉलेज में होती है ठीक है लाइब्रेरी अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी आपको लैब्स अच्छी मिलेगी आपको रिसर्च आ, के लिए जाना जाता है तो जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए होता है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है ठीक है जी और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए फोकस्ड हैं है ना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है ठीक है तो मेरा तो आपसे सजेशन यही होगा कि इस कॉलेज के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ठीक है जी तो इसी तरीके से आ, कई और कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके पास में वापस आऊँगा ठीक है तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए थैंक यू सो मच